हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं रोब्लॉक्स, और इसके अंदर हम एस्केप करने वाले हैं कैसल। और पीछे जो आपको बैकग्राउंड में पुटरू पुटरू की आवाज सुनाई दे रही है ना, जी भाई, यहाँ का जो राज है ना, सच्चे में बहुत ही ज्यादा चीची है भाई। तो ओके गाइस, यार जैसा कि आप सभी देख सकते हो, अभी हमें एक जेल के अंदर बंद कर रखा है, और यहाँ पर सामने की तरफ है हमारा राजा। बट यहाँ ना एक ये क्या क्राउन है, हमें शायद इसको कलेक्ट करना है। अबे अबे नीचे नहीं घुसना बैठ के, सबसे पहले इसे कलेक्ट करते हैं। एंड नीचे की तरफ देख सकते हो, यहाँ पर हमें शायद से 10 क्राउन कलेक्ट करना है। मुझे नहीं पता इसके बाद क्या होने वाला है, बट ठीक है। सबसे पहले भाई यहाँ से स्केप करते हैं। जैसा कि देख सकते हो, हम इसमें वांटेड है, और जो हमें पकड़ेगा भाई उसे इतने सारे डॉलर्स मिलेंगे। ये है 99 करोड़ डॉलर भाई, इतने का तो कैसल भी नहीं होगा। बट ओके, इस गेट को शायद से हमें तोड़ना है। अबे भाई साहब, अपने में पावर तो बहुत ही ज्यादा है, बट जैसा कि देख सकते हो ये है वो बहुत ही। अबे भाई इसका मुकुट देखो कितना ज्यादा गोल्डी है, मतलब भाई पीछे नहीं जाना, वैसे ही वो हग रहा है पागल कहीं का बैठे बैठे। बट ओके, यहाँ पर पीछे की तरफ भी क्राउन है, इसको भी लेते हैं। क्या पता हम राजा बन जाए अगर हमने 10 क्राउन ले लिए, क्या पता ये पूरा राज्य हमारा हो जाए। और यहाँ पर एक बटन है, बट उससे पहले मैं देख लूँ भाई, यहाँ पर काफी सारी पेंटिंग्स है बड़ी बड़ी, ये शायद इसके दादा होंगे भाई, ये तो उससे भी ज्यादा खूंखार है। और यहाँ पर ये देखो भाई, एकदम आलिशान पेंटिंग बना रखी है। एंड यहाँ पर ये शायद से अपना राजा है। बट ओके, सबसे पहले शायद से हमें वो बटन दबाना है जिससे कि सामने वाला गेट अनलॉक हो जाएगा, और इसको पता ना चले अरे नूबड़ा आके खोल के सो रहा है। भाई बड़ा डेंजर लग रहा है दिखने में। एक बार इसकी ना वो देखो शक्ल देखो, ना कितनी लाल हुई है इसकी, ये बाल निकल रहे हैं। बट ओके, सबसे पहले हमने इसको प्रेस कर दिया, एंड सामने वाला गेट खुल चुका है, अच्छी बात है। अबे नहीं, ये सो उठ गया, उठ गया, उठ गया, कैसे कूद के आ रहा है भाई, भाग के आ रहा है। ये तलवार नहीं है कि तेरी, ये तलवार का है, ये राजा बिना तलवार के आ रहा है। बट ओके, हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं, अब ये मत बोलना ये हमें यहाँ पर पकड़ेगा। और ऊपर गिर गया, ये नहीं सोचा था मैंने ही गिर जाएगा, इतना मोटू हो रखा है बैठ बैठ के। बट ओके गाइस, यहाँ से शांति से निकलते हैं। एंड जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, इस बंदे को शायद से पेंटिंग्स का काफ़ी ज़्यादा शौक है। और सामने की तरफ एक अबे क्या है, मैं हिल नहीं पा रहा। वो उसने एक बटन दबाया सैनिक ने, एंड यहाँ हम एक गड्ढे में आके गिर गए। अबे रुक जा, ये क्या है। ओके, तो हम एक दूसरे भाई कहाँ के गिर गए, हम दूसरी कैद में आके गिर गए शायद से। बट ठीक है यार, यहाँ से भी हम निकल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं। जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर और भी काफी सारे पिंजरे बना रखे हैं, और यहाँ पर एक विच है भाई, ये तो माइनक्राफ्ट की विच से भी काफी ज्यादा डेंजरस लग रही है। बट ठीक है, ये शायद से गेट है क्या, हम इसको ओके भाई इसको भी खोलना है। ओबे भाई, ये इतना मोटा गेट तोड़ दिया भाई अपन ने। मुझे लगता है अगर हमारी राजा से फाइट होगी ना, तो भाई हम उसको भी खत्म कर देंगे। बट यहाँ पर हमारे साथ एक साथ ही आ चुका है। हेलो दोस्त, अबे भाग जाए यहाँ से। ओके भाई, कितने सारे गेट्स है भाई इस कैसल में। ठीक है ठीक है, ये भी तोड़ दिया। अब वहां पर एक रेड बटन है, तो शायद से हमें उसको दबाना पड़ेगा जिससे कि वो वाला गेट खुलेगा। और यहाँ भाई एक और सैनिक है, जो कि अच्छी बात है आराम से सो रहा है। और मुझे ये समझ आ रहा है इस गेम का लॉजिक है, आके खोल के सोते हैं भाई इसमें बंदे। बट ठीक है, हमने ये बटन दबा दिया, एंड सामने का गेट खुल चुका है, और वो उठेगा। लग रहा था मेरे को भाई ये उठ चुका है, क्योंकि अबे भाई छी भाई हग रही है, ये क्या खाते क्या है। राजा भी हगता है, सैनिक भी हगता है, हर बंदे हग रहे हैं यहाँ पर, मतलब पुटू पुटू कर रहे हैं। तो लेट्स गो, आ जा बेटा, आ जा आ जा आ जा मुन्ना, ये भी मरेगा लग रहा है। अबे फिसल गया वो, ये सही है। ओके, तो यहाँ पर फिर से हमें गेट खोलना है, एंड देखते हैं कि आगे कौन सी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही है। और यहाँ पर ये क्या, हम राजा को खरीद सकते हैं। बट नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही भाई, ये हमें क्राउन, हाँ देखो एक ही क्राउन, ये रहा हमारे पास 3 क्राउन जाएंगे हमने वो ले लिया। तो ठीक है, सबसे पहले जंप करते हुए चलते हैं, ये वाला क्राउन हमें चाहिए, उसके बाद हमें शायद से वो रेड बटन दबाना है। अब मुझे नहीं पता उसके बाद हमें क्या होने वाला है। अच्छा, वो वाला गेट खुलेगा शायद से रेड बटन दबाने से। अच्छा नहीं नहीं, हमें वहां जाना है, तो वहां जाने के लिए हमें यहाँ पर एक ब्रिज बनाना है, और ब्रिज जब ही बनेगा जब हम वो रेड बटन को दबाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले इस वाले बटन को दबाते हैं, एंड ओ यस, ये देखो यहाँ पर ब्रिज आ चुका है, बट स्टार्टिंग के ब्रिज तो गायब है, तो शायद से हमें वो दूसरा वाला बटन दबाना पड़ेगा। इस बटन को भी दबाते हैं, एंड जैसा कि देख सकते हो, लेट्स गो भाई। मैंने ना यहाँ पर एक चीज नोटिस करी है, जैसा कि देख सकते हो भाई यहाँ पर पूरे में ना लावा है, बट कोई शायद से बहुत ही ज्यादा ज्ञानी बंदा होगा सोच रहा होगा लावा में तैर के मैं निकल लूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक बोट है। एंड भाई मुझे बता दो, ये कौन सा ज्ञान लेकर आए हो कि हम लावा के ऊपर बोट को तैरा सकते हैं। बट ठीक है भाई, सबसे पहले यहाँ से स्केप करते हो। और ये क्या चीज है, मैं जब से नोटिस कर रहा हूँ ये शायद से कोई मशरूम है। यस भाई ओके, तो ठीक है, सबसे पहले इस वाले गेट को भी तोड़ के खोलते हो। ये दीदी जी वहां से कहाँ से निकल रही है भाई। ओके लेट्स गो, तो ये शायद से एक बहुत ही ज्यादा, भाई कितना ज्यादा खतरनाक ब्रिज लग रहा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा ही है। और यहाँ पर कोई ना कोई तो टूटा हुआ होगा इस लैब, लेट्स गो, हमें बस एकदम ध्यान रखते हुए जाना है। ये वाला टूटा है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला टूटा हुआ है, ये भी गिर गया, उसी के साथ में ये वाला भी टूटा होगा, बच गया।
ओके गाइस, तो सामने की तरफ काफी सारे कांटेदार, आओ बच गया। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ काफी ज्यादा कांटेदार रोड्स लगी हुई है, हमें इससे कैसे भी करके बचना है। भाई भाई फिर से बच गया, इसको जाने देते हैं। भाई तू जा, लेट्स गो। सबसे पहले यहाँ से स्किप करते हो। और अभी कुछ गया, अभी कुछ लाल लाल गया, मैंने अभी नोटिस करा। ओके यहाँ पर एक स्माइली फेस बना हुआ है, शायद से मेरे को यहाँ पर कवर के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि सामने से कुछ आने वाला है। क्या आएगा? ओ भाई डेंजर फेस हो गया, क्या होने वाला है यहाँ पर? ओ भाई रेड फेस हो गया। ओ भाई मुझे लगा था वो जाएगी बट वापस आएगी, ये नहीं सोचा था, बट ठीक है भाई, अब इस चीज का मैं ध्यान रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से जितनी तेज हो सकते हैं भाई उतनी तेज स्केप करते हैं, मुझे वैसे जाने का है। ओके ओके सॉरी 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 सॉरी, ये येलो बन गया भाई, गुस्सा हो गया मतलब, और अब ये रेड हो चुका है, ये गया, अब शायद से वापस जाएगा। भाई साहब यहाँ पर एकदम खतरनाक टेक्नोलॉजी का यूज कर रखा है इन्होंने। ओके जाना किधर है भाई कोई? अच्छा यहाँ पर एरो, यार मैंने नोटिस ही नहीं करा यहाँ पर एरो है। बट ओके अब हम एक अलग सी ही जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर फिर से भाई ये बोट, ये मुझे बता दो ये कौन सी गेम का लॉजिक है, लावा में बोट नहीं चलती भैया, वो जल के मर जाएगी बोट। बट ओके ठीक है। और यहाँ पर अबे मैंने वो क्राउन देखा, पता नहीं यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने ना पीछे कुछ थोड़े बहुत हो सकता है कि क्राउन को मतलब देखा ना हो, क्या पता हमारी नज़रों के सामने हो एंड हमने भाई उसको देखा ही ना हो। बट ठीक है, हो सके तो भाई मैं फुल कोशिश करूंगा ये सारे क्राउन्स लेने की है। हमें कहाँ ऊपर जाना है ना, क्या मैं चढ़ पाऊंगा इसमें? यस यस चढ़ सकते हैं, लेट्स गो। यहाँ पर भाई सीढ़ी है क्या ये? ओके ठीक है लेट्स गो। यहाँ पर फिर से राजा भैया आ गए, जाना क्या है हमें? सामने की तरफ जाना है। ठीक है भाई यहाँ पर ये कौन सी जगह है, कोई बताएगा? यहाँ पर लावा भी है उसी के साथ में, ऐसा लग रहा है कोई प्लेग्राउंड है क्योंकि यहाँ फ्लावर्स है, झूले टाइप, ये क्या क्या बताऊँ मैं भाई ये। ठीक है बस यहाँ ना मर जाएं, एंड सामने की तरफ एक अजीब सा ही रास्ता जा रखा है, बट सबसे पहले यहाँ से स्केप करते हैं। एंड ऊपर की तरफ कुछ लिखा हुआ भी है, एक सेकेंड जंप करते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर? चीफ मीट बॉल्स रेस्टोरेंट। ओके तो यहाँ पर ये एक नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, बट अपन तो भाई वेजिटेरियन तो भाई कुछ खाने नहीं जाने वाले, वहाँ से चुपचाप से स्केप करते हैं। भाई हम ऊपर क्यों जा रही है? हमें स्केप करना है ना कि कैसल की छत पे जाना है। ओके ठीक है भाई खत्म हो जा सीढ़ी। अबे खत्म होने का नाम नहीं ले रही, मुझे समझ नहीं आ रहा जब ये राजा आता होगा यहाँ पर, वो तो कूद तो सकता नहीं, इतना मोटू सा है वो, यहाँ आता कैसे होगा? यहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ गायब है, और ये इसमें हम जंप करना है, ये बहुत खतरनाक तलवार लग रही है। ओके इन पेंटिंग से बचना होगा, अगर मैंने इसके ऊपर पाँव रोक दिया भाई राजा मेरे को नहीं छोड़ने वाला इसीलिए। ओके आ चुके भाई हम रेस्टोरेंट पे, और हमारे पास ये शेफ बोल्स है, हमें इसको मारना है। अबे भाई ये अब इसको हमें हराना है, मारना नहीं है, ये टमाटर दे रखे हैं नूबड़े भाई, टमाटर से कौन मारेगा? रुको रुको इसको मारने का एक सबसे बेस्ट तरीका, तेरी बहस है, पीछे 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 यार रुक जा मेरे पास आ गया ये तवा लेके। अबे भाई ये कूदता है, अबे भाई ये नहीं लगा था मेरे को कूद पाएगा, बट तेरी बहस है शेफ। और मुझे समझ नहीं आ रहा इतने पुराने जमाने में किसको इतने खतरनाक कपड़े किसने पहना दिए। अबे भाई ये के पास में आ गया, इसकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा कमजोर, आ गया पास नहीं नहीं पीछे 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 पीछे, मरा लेट्स गो बेचारा। अबे वो तो गायब भी हो गया, बट ओके यहाँ पर एक नया ही गेट मतलब रास्ता खुल चुका है, और यहाँ पर भी काफी सारे शेफ की फोटो लगी हुई है, और यहाँ बहुत ही बड़ा गड्ढा है, तो शायद से हमें गड्ढा है रास्ता जो भी है हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। सामने की तरफ एक अलग सा ही रास्ता है भाई, ओके लेट्स गो। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक मशाल है, क्या मेरे को यहाँ से जंप मारना चाहिए? यस यस जंप मारते हैं। ओके बट ये कौन सी जगह है कोई बताएगा मेरे को? यहाँ पर हमारे पास गन भी है, व्हाट? क्या मैं इस गन को अब यार खरीदनी पड़ेगी, बट ठीक है। सबसे पहले जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर ये शायद से वॉशरूम है, एंड वॉशरूम में भाई राजा की फोटो लगा रखी है, कितने बेशरम लोग है भाई ये, बट हमें जाने का है। ये वॉश मशीन है, यहाँ पर हाथ वाथ धोते हो भाई, कितना बड़ा है, मुझे लग रहा है यहाँ के लोग ना, हाँ भाई सच्ची में काफी ज्यादा बड़े होते हैं, बट हमें जाना कहाँ पर है इसको? ओ ये रास्ता है, बट एक सेकेंड यहाँ पर भी कुछ चीजें हैं, इसको खोलते हैं। अबे भाई एक चीज नोटिस करी तुमने, यहाँ पर ये जो सैनिक के कपड़े पहन के हग रहे हैं भाई, ये देखो भाई पैंट तो उतार लेता कम से कम, लोहे के अंदर हग रहा है पागल कहीं का। बट कोई ना भाई तुम आराम से फ्रेश हो लो, हम यहाँ से स्केप करते हैं। तो यहाँ से मैंने शोवेल उठा लिया है, अब बस हमें गड्ढा करते हुए यहाँ से निकलना होगा। भाई कितना ज्यादा गहरा गड्ढा है यहाँ पर, हम ऐसा लग रहा है अब ना हम अंडरग्राउंड आ चुके हैं कुछ ज्यादा ही नीचे, शायद से कोई सुरंग वुरंग होगी यहाँ से स्केप करने की, इसीलिए ये देखो भाई ये लोहे वोहे की पाइप बना रखे उस जमाने में, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई ये टेक्नोलॉजी आ कहाँ से रही है इनके पास, ये क्या वो था क्या फ्यूचर से आया था क्या राजा? बट ओके शायद से हमें इधर जाना है, एंड मेरे को भी बहुत ज्यादा समय से कोई भी क्राउन नहीं मिला। यार मुझे लगा था कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी चीज निकलती होगी पाइप में से, बट जैसा कि देख सकते हो छी भाई इतनी बड़ी बड़ी पोटियां निकल रही है यार।
इससे हमेशा ऐसे बच के रहना पड़ेगा भाई। देख रहा हूँ ये क्या है ये भाई जी यार। ठीक है ठीक है ठीक है, अपने को गंदा नहीं होना इनकी पोटियों में। एंड यहाँ पर बोट्स हैं। ओके तो शायद से मेरे को समझ आ रहा है कि यहाँ पर बोट्स कैसे आई थी, क्योंकि पहले यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये टॉक्सिक वेस्ट हुआ करता था, ये जो लिक्विड देख रहे हो ना खतरनाक सा, फिर वो शायद से बाद में लावा में कन्वर्ट हो गया, ये नहीं पता मुझे कैसे हुआ, बट ओके एस्केप करते हैं। ये शायद से बहुत ही ज़्यादा सुनसानी जगह में रास्ता आ जा रहा है, हमें वापस से ऊपर जाना पड़ेगा। ओके भाई ये कहाँ ले जा रहे हो, कोई मेरे को बता दो भाई, मेरे को यहाँ से एस्केप करना है। ये कि कैसर कितना बड़ा है भाई, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। फाइनली सीढ़ियाँ खत्म हो चुकी है भाई, सच में जैसा कि दिख रहा भाई मैं बहुत ही ज्यादा नीचे से आया हूँ अभी, और अभी भी खत्म नहीं हुई क्या ये, क्या रोशनी सी दिखा, कोई पोर्टल है, कह दो भाई ये पोर्टल है। वो 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 भाई ये कहाँ बाहर आ गए उस पोर्टल से, ये क्या सीन था। बट एक सेकेंड, हमारी शायद से यहाँ पर स्पीड बढ़नी चाहिए, लेट्स गो। अब शायद से हम बहुत ही ज्यादा इजी पीजी का यहाँ से स्केप कर सकते हैं। बट एक सेकेंड, यहाँ नहीं मरना यार, क्योंकि अगर मैं मर गया ना तो मेरे को वापस से पूरा स्टार्टिंग से करना पड़ जाएगा। ओके 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 भाई कितनी बड़ी चेस्ट है वो, क्या खजाना रखा होगा उसमें, गारंटीड कह सकता हूँ मैं। और ये पेड़ कम मेरे को कैंडी ज़्यादा लग रही है, बट लेट्स गो भाई जंप करते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली। अब कहाँ जाना है, हमें लेफ्ट जाना है, ठीक है। रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा यार, हो जा भाई ख़त्म हो गया शायद तो फाइनली। अबे नहीं हुआ अभी भी, एक तो मुझे समझ आ रहा भाई टूटे फूटे ब्रिज को बना रखे, ब्रिज लग रखा है, फिर साथ में चेस्ट है, फिर बैरल है, फिर से ब्रिज आ गया, फिर पत्थर आ गया। भाई बनाते तो पूरा ढंग से बनाते ना यार। बस फाइनली ये है, इसके बाद फाइनली ये ख़त्म हो चुका है। अब ये शायद से हाँ ये कैसल की बाउंड्रीज है, एंड बाउंड्रीज के पार हम एस्केप कर जाएंगे भाई, कह दो हमने एस्केप। कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को, वह सामने की तरफ ये कोई तो खड़ा है, ये राजा है। अबे उसने वो क्राउन पहन रखा है भाई, मेरे को नहीं लड़ना। और यहाँ देख सकते हो इसके सैनिक लोग खड़े हैं, अगर मैंने राजा पे आग भी उठाई ना, हाक हाथ लात कुछ भी, ये मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे भाई। इनके पास बहुत ही खतरनाक वेपन्स हैं। और भाई मैं ओबे राजे, अबे इसको पिस्टल से मारने वालों क्या, मैं फिर तो इजी इस पर आना। तेरी बहस किया, बेचारे को तलवार दे दी भाई यार, ये इसको मैं पास भी नहीं आने दूंगा है बे। बट एक बार गाइजर देखो, ओबे इसमें कुछ पावर आ रही है, ओए रुको रुको इसकी स्पीड बढ़ रही है तेरी। वो एक सेकंड, यहाँ पर क्या हुआ, ये कोई जादूगर था भाई। एक सेकंड, उसकी स्पीड एकदम से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, उसी के साथ में वो चिंगारियाँ कैसे निकल रही थी उसकी। ओके तो यहाँ पर हमने एक बोट स्पॉन करी है, एंड वो भाई इसमें इंजन विंजन लगा हुआ है कि हवा में चल रही है, वैसे तो ये बट बहुत ज़्यादा तेज है यार ये। ओह यहाँ पर काफ़ी खतरनाक एलिगेटर है, क्या मैं ये मुझे कह तो नहीं पाएंगे कुछ। ओबे भाई ओए ये बोट तोड़ दी, डोंट टच द वॉटर ये लिखा है, डोंट टच द वॉटर में भाई, फिर बोट कैसे चलेगी कि वॉटर ही टच ना करूंगा। तो सामने की तरफ रास्ता जा रहा है, हमें बस वहां जाना है भाई, बिना बात के इनको छेड़ना नहीं है। दिखने में काफ़ी ज़्यादा शरीफ से लग रहे हैं एलिगेटर्स, बट नहीं भाई बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है वो। ओके सामने की तरफ वापस से सीढ़ी है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, जाना का यहाँ पर बटन है क्या। ओए भाई ये वो ये कैसी बोट है ये तो भाई पहली बार ऐसी कोई गेम में मैं बोट चला रहा हूँ भाई, रुको रुको ये क्या हो रहा है। अबे एक सेकेंड ये अबे उतर भाई मेरे, ये क्या हुआ। ओए ये मुझे समझ नहीं आया, बट जो भी था भाई अपन ने बोट से, ये क्या था भाई, ये कौन सी खतरनाक सी एंडिंग थी। बट एनीवेज गाइज आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी वीडियो को जरूर से लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।